हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं एमपी स्पेशल के थर्ड पार्ट की बात। इसमें हम संभाग वाइज संभाग और जिले हर जिले का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उज्जैन देखते हैं। उज्जैन का फर्स्ट जिला है नीमच। इसकी जनसंख्या है 8,26,067 और यहाँ का क्षेत्रफल है 4,256 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की साक्षरता है 17.8%, और लैंग अनुपात है यहाँ 954। स्थापना इसकी बात करते हैं तो 10 जून 1998 में मंदसौर से अलग होकर ये बना था। यहाँ गवर्नमेंट ओपीएम अफीम एंड एल्किलोइड फैक्ट्री है। यहाँ बता दें नीमच में शहाबुद्दीन औलिया का औषधि भी लगता है। यहाँ पर्यटन स्थल कुकड़ेश्वर महादेव और भदवा माता का मंदिर है। आपको बता दें कि नीमच में 3 जून 1857 में 1857 की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी नीमच से। आपको बता दें CRPF का ट्रेनिंग सेंटर नीमच में है। और एमपी का पहला ग्राम न्यायालय झंथला ग्राम में स्थित यहीं नीमच में है। नीमच का आकार है हृदय जैसा आकार है। चलिए अगला जिला है मंदसौर। मंदसौर की जनसंख्या की बात करें तो 13,40,411 जनसंख्या है। यहाँ का क्षेत्रफल है 5,535 वर्ग किलोमीटर, और साक्षरता है यहाँ की 71.8%, और लिंग अनुपात है 963। और मंदसौर सिवोना नदी के किनारे बसा हुआ है। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर है। यहाँ मंदसौर में स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना है, स्टार्च फैक्ट्री है, जीवाजी राव सुगर मिल है, वर्धमान फेबिक्स भी है यहाँ। पर्यटन स्थल की बात करें तो पशुपति नाथ का मंदिर यहाँ है, फूट तालाब यहाँ है, हिंगला जगड़ पहाड़ी का किला यहाँ, पीपल्ला मंडी में बट्टी पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, भदवा माता मंदिर है, सीता मऊ ऐतिहासिक स्थल है, और यहाँ चंदवासा में धर्म राजेश्वर मंदिर है। मुख्य फसल है अफीम। यहाँ की मंदसौर में अफीम की खेती की जाती है। आपको बता दें मंदसौर में गांधी सागर बांध भी है चंबल नदी पर। यहाँ मंदसौर में गांधी सागर अभयारण्य भी है। मंदसौर में रावण की पूजा की जाती है क्योंकि रावण का ससुराल माना जाता है। मंदसौर राजस्थान के 4 जिलों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश में एकमात्र उद्यान की महाविद्यालय भी मंदसौर में है। अगला जिला है रतलाम। रतलाम की जनसंख्या है 14,55,069। यहाँ का क्षेत्रफल है 4,861 वर्ग किलोमीटर, और साक्षरता है यहाँ की 66.8%, और लिंग अनुपात है 971। रतलाम को सेव की नगरी बोला जाता है। यहाँ उद्योग है सेलखड़ी उद्योग, जावरा तहसील में सुगर मिल है, IPCA प्रसिद्ध दवा कंपनी भी है यहाँ रतलाम में। रतलाम में लोटस टेम्पल है, सोगोद में जैन मंदिर भी है यहाँ, और रतलाम में बता दें अफीम की खेती की जाती है। सैलाना फ्लोरिक अभयारण्य भी रतलाम में है। त्रिवेणी का मेला भी रतलाम में लगता है। जावरा की हुसैन टेकरी जो चमत्कारी सिद्ध इलाज हेतु प्रसिद्ध है, यह भी रतलाम में है। रतलाम की स्थापना कैप्टन फोर्थ विक ने 1829 में की थी। चलिए अगला जिला है हमारा उज्जैन। उज्जैन की जनसंख्या है 19,86,864। यहाँ का क्षेत्रफल है 6,091 वर्ग किलोमीटर, साक्षरता है यहाँ की 72.3%, और लिंग अनुपात है 955। उज्जैन को बता दें अवंतिका उज्जैनी भी बोला जाता है। इसके उपनाम है महाकाल की नगरी, मंदिर एवं मूर्तियों का नगर। आपको बता दें उज्जैन में सिंहस्थ मेला भी लगता है 12 वर्ष की अभी तो। यहाँ बता दें उज्जैन में नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना है। कॉटन सीड्स सॉल्वेंट प्लांट भी है, सोयाबीन संयंत्र भी है, महीदपुर शक्कर कारखाना भी है। आपको बता दें यहाँ पर्यटन स्थल है भरत हरि गुफाएं, संदीपनी आश्रम, बड़ा गणेश,
मंदिर, काल भैरव मंदिर, कालिया देव मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, जंतर मंतर केंद्र, चंपा की बावड़ी, मंगला मंदिर भी यही है, प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर भी बोला जाता है। बेस टेकरी स्तूप भी यही है, दुर्गा दासी की छतरी यही है, कालिदास अकादमी उज्जैन में ही है, रूणा जी तेजा जी का प्रसिद्ध स्थान भी यही है। आपको बता दें कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति उज्जैन में पाई जाती है। विश्व का एक मत स्थान है जहाँ 21 जून को सूर्य 90 डिग्री लंबवत होता है। उज्जैन को राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाया था। उज्जैन 16 महाजनपदों में से शामिल था अवंती। आपको बता दें उज्जैन में पढ़नी संस्कृत महाविद्यालय भी, सिंधिया प्राचीन शोध संस्थान भी है, विक्रम यूनिवर्सिटी भी उज्जैन में ही है। उज्जैन में सबसे पहले सुन्नी का प्रयोग ब्रह्मा गुप्त द्वारा किया गया था। उज्जैन में नवग्रह मंदिर वर्ष में केवल एक बार ही खुलता है। अगला जिला है हमारा देवास। देवास की जनसंख्या है 15,63,715। क्षेत्रफल है यहाँ का 7,020 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की साक्षरता है 69.3%। लिंग अनुपात है 942। आपको बता दें कि देवास में आयसर ट्रैक्टर की फैक्ट्री भी है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, टाटा का असेंबली सेंटर भी है, मंगालिया में गैस बाटलिंग प्लांट भी है, एस कुमार शूटिंग एवं शर्टिंग भी देवास में है, जाम गोद रानी और रजोदा में पवन संयंत्र भी है, रैन बैक्सी कंपनी भी यही है देवास में, नोट छापने का कारखाना देवास में है। आप 5 रुपए से अधिक की कीमती के नोट यहाँ छापे जाते हैं। एकमात्र निर्यात औद्योगिक पार्क भी यही है देवास में। मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना भी देवास में, चामुंडा देवी का मंदिर देवास में, बागली में हनुमान जी की प्राचीन मंदिर भी है यही देवास में, पीपरी में अभयारण्य देवास में प्रस्तावित है, ISO प्रमाणित पहला थाना देवास है, पहला शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय देवास में है, ISO प्राप्त। बागली गांव से काली सिंध नदी निकलती है, जो गांव ये गांव देवास में है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का गृह भी यही है देवास में, पिपल्या। देवास को कलाओं का घर भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोडीजल जिला घोषित किया गया देवास। अगला हमारा शाजापुर। शाजापुर की जनसंख्या है 10,32,681। यहाँ का क्षेत्रफल है 3,411 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 69.1%। लिंग अनुपात 938। उद्योग है मक्सी, तहसील में डाबर का संयंत्र। पर्यटन स्थल है मुल्ला समुद्दीन का मकबरा है, यहाँ बरसी दरगाह भी है, नलखंडा का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जामा मस्जिद भी है, चिलन नदी के तट पर यह किला है। साजापुर में मोमन बड़ो दिया मेला भी लगता है, रावण की पूजा यहाँ भी साजापुर में भी किया जाता है। इसका पूर्व साजापुर का पूरा पूर्व नाम है रावण कर खेड़ी। शाहजहां के नाम पर शाहजहांपुर हुआ, जिससे बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली भी शाजापुर में है। अगला हमारा जिला है आगर मालवा, इसे 51वां जिला था 51। इसकी जनसंख्या है 5,71,278 और क्षेत्रफल है इसका 2,785 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की साक्षरता है 65%। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग होकर ये आगर मालवा बना था। राजस्थान की सीमा से लगा ये पश्चिमी दिशा है आगर मालवा। प्रथम गौ अभ्यारण्य, देश का पहला अभ्यारण्य, सुसनेर तहसील आगर मालवा में।
मोती सागर बड़ा तालाब आगर मालवा में, रतन सागर भी यही है आगर मालवा। काली सिंध नदी पर परसू खेड़ी बांध भी आगर मालवा में, पिपलिया कुमार और तिलार बांध भी आगर मालवा में। बैजनाथ महामंदिर, महादेव मंदिर भी यही है आगर मालवा में। मंदिर गुफा वरदा, केवादा स्वामी, कमल कुंडली, रणछोड़ मंदिर, रानी सती, दादी जी का मंदिर, चिंताहरण गणेश मंदिर आगर मालवा में। आगर मालवा लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला अपना संभाग है इंदौर। इसके इंदौर जिले की बात करते हैं। इसकी जनसंख्या है इंदौर जिले की 32,76,697। क्षेत्रफल है यहाँ का 3,898 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की साक्षरता है 80.9%। लिंग अनुपात है 928। इसका उपनाम है मिनी बॉम्बे इंदौर का। औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं, आर्थिक राजधानी, खेल एवं व्यवसायिक राजधानी बोला जाता है इंदौर को। इंदौर का प्राचीन नाम है इंदपुर। होलकर वंश की राजधानी रहा है इंदौर। भारत में एकमात्र शहर है जहां IIT और IIM दोनों हैं। मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट के अंदर इंदौर। इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स भी है। इंदौर में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी है। जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क इंदौर में, पोलो ग्राउंड, प्रमुख उद्योग क्षेत्र यही इंदौर में। इंदौर एयरपोर्ट, जिसे देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट महू में है, इंदौर में। जिले लाला मंडल अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य इंदौर में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है इंदौर। एशिया में प्रथम, विश्व में तीसरा लेसर अनुसंधान केंद्र इंदौर में। प्रथम जैविक खाद इकाई इंदौर में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग भी इंदौर है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश प्रथम डेंटल कॉलेज मध्य प्रदेश का इंदौर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में। महू में सैनिक छावनी है। पशु चिकित्सालय कॉलेज इंदौर में। दूर संचार अभियांत्रिकी सैनिक कॉलेज भी महू में। पैदल सेना स्कूल महू में है। बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, अंबेडकर जी की जन्म स्थली भूमि में मऊ में है। आपको बता दें, चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पाओ ऋषि जागदनी परशुराम की तपोभूमि इंदौर में। गोमटगिरी गिरी प्रसिद्ध जैन मंदिर भी इंदौर में। यशवंत सागर इंदौर शहर को जल प्रदान करने वाला एकमात्र स्रोत है। गौतमपुरा में हिंगोट मेला, जो सांडों की लड़ाई व मनुष्य अग्निवार से लड़ाई करते हैं, ये इंदौर में। सिरपुर झील भी इंदौर में। छिप्रा नदी काकड़ी वर्डी से निकलती है। पहला सोयाबीन बायदा बाजार भी इंदौर में। अम्बेडकर नगर मऊ का नया नाम, मऊ का नया नाम। अगला जिला देखते हैं खरगोन। अब पश्चिमी निवाड़, यहाँ की जनसंख्या है 18,73,046। यहाँ का क्षेत्रफल है 8,030 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है यहाँ की 62.7%। लिंग अनुपात है 965। खरगोन सुनहरे कपास के लिए जाना जाता है। खरगोन में सिंगाजी का मेला लगता है। यहाँ का प्रसिद्ध कसराबाद स्तूप भी खरगोन में। सिरबल महादेव का मंदिर भी खरगोन में। राव रावर खेड़ी मराठा पेशवा बाजीराव की समाधि खरगोन में। मंडलेश्वर ऐतिहासिक स्थल, जहां जल विद्युत परियोजना है नर्मदा नदी पर है, ये भी खरगोन में। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर रही है, जो खरगोन में है। सीआईएसएफ का विशिष्ट
प्रशिक्षण केंद्र भी बड़वा जैविक खरगोन में। महेश्वर की साड़ी प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। हाइडल पंप जल पंप खरगोन जिले में है सबसे ज्यादा, यह रतलाम में। कपास अनुसंधान केंद्र भी रतलाम में है। देश का पहला मोबाइल बैंक खरगोन में स्थित है। अगला जिला है खंडवा, इसे पूर्वी नेवार भी बोला जाता है। जनसंख्या यहाँ की 13,10,061, क्षेत्रफल है यहाँ का 62,06.45 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है यहाँ की 66.4%। लिंगानुपात है 943। आपको बता दें खंडवा अशोक कुमार की जन्मस्थली है, और खंडवा में पहला कोरकू जनजाति समुदाय के रेडियो खंडवा से शुरू किया गया था। खंडवा में गांजा उत्पाद की खेती की जाती है। खंडवा में ओकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। खंडवा में पुनासा ग्राम में इंदिरा सागर परियोजना स्थापित है। इंदिरा सागर परियोजना में छनेरा ग्राम के में डूब गया। माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान खंडवा में कर्मस्थली है। खंडवा का क्षेत्र का आकार राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है। ओकारेश्वर मान्यता ये खंडवा में स्थित है। तुलजा भवानी मंदिर धोनी वाले ये भी खंडवा में। देश का पहला जल सत्याग्रह घोगला गांव खंडवा में। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यह सूक्ष्म भूकंप रिकॉर्ड है भी खंडवा में लगाया जा रहा है। अगला है हमारा बुरहानपुर। यहाँ की जनसंख्या 7,57,847। यहाँ का क्षेत्रफल है 3,227 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है बुरहानपुर की 64.4%। 951 यहाँ का लिंगानुपात है। 15 अगस्त 2003 में खंडवा से पृथक करके बुरहानपुर बनाया गया था। असीरगढ़ यहीं स्थित है बुरहानपुर में, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेपाल नगर में नेशनल न्यूज पेंटर प्रिंट खाना बुरहानपुर में स्थित है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र भी नेपाल नगर में। पहला यूनानी चिकित्सा कॉलेज भी मध्य प्रदेश का बुरहानपुर में। अहूजा जो स्थान बुरहानपुर में स्थित है, मुमताज को पहले यहीं दफनाया गया था। असीरगढ़ के किले को अकबर ने 1601 में जीता था। ये बुरहानपुर में स्थित है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ में शाहजहां की प्रेम का मोती बेगम की कब्र है, जो बुरहानपुर में स्थित है। बुरहानपुर में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल देख लेते हैं। बीवी की मस्जिद, बादशाह का किला, जामा मस्जिद, आदिल शाह का मकबरा बुरहानपुर में स्थित है। अगला जिला है हमारा बड़वानी। आपको बता दें बड़वानी की जनसंख्या 13,85,881। यहाँ का क्षेत्रफल है 5,422 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की साक्षरता है 49.1%। लिंगानुपात है 982। बड़वानी को खरगोन से अलग करके 25 मई 1998 में नया जिला बनाया गया था। बड़वानी सिसोदिया वंश की राजधानी रहा है। चावल अनुसंधान केंद्र भी बड़वानी में है। आपको बता दें बड़वानी में 52 फीट ऊंची भगवान आदिनाथ की मूर्ति भी है। 52 गजा जैन तीर्थ भी बड़वानी में स्थित है। बीजा सेन का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर, भावरगढ़ का प्रसिद्ध किला भी बड़वानी में है। निवाड़ का पैलेस भी यही है बड़वानी में। बड़वानी के अन्य नाम है बड़नगर, सिद्धनगर। सर्वाधिक लाल मिर्च की खेती यही बड़वानी में की जाती है। सेंधवा मध्य प्रदेश को सर्वाधिक परिवहन राजस्व अर्जित करने वाला वेरियल है। 2007-08 में एक दिन का सर्वाधिक तापमान बड़वानी में दर्ज किया गया था। अगला जिला है धार। धार की जनसंख्या 21,85,000
793, यहाँ का क्षेत्रफल है 8153 वर्ग किलोमीटर, यहाँ की साक्षरता है धार की 59%, लिंगानुपात है धार का 964। सर्वाधिक विकास खंड धार जिले में स्थित है। आपको बता दें, धार जिले में मांडू के महल, 56 महल, रूपमती महल, होसंग साय का मकबरा, जहाज महल, बाघ की गुफाएं, गुप्तकालीन हिडोला महल, गयासुद्दीन द्वारा निर्मित मोहन खेड़ा प्रसिद्ध जैन तीर्थ, 16 फीट की आदिनाथ की मूर्ति, जनजातीय सांस्कृतिक म्यूजियम, राजा भोज निर्मित भोजशाला, फड़के स्टेडियम धार में स्थित है। धार परमार वंश की राजधानी भी रहा है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश का डेटा एड ऑटोमोबाइल केंद्र भी पीथमपुर धार में स्थित है। पीथमपुर में प्रदेश का पहला सेज एवं निर्यात संबंधन पार्क भी स्थित है। सरदारपुर अभयारण्य भी खरमौर का संरक्षण यहाँ किया गया, ये भी धार में स्थित है। डायनासोर जीवाश्म पार्क 2007 में जीवाश्म मिले थे यहाँ, ये भी धार में। ज्ञान दूत परियोजना की शुरुआत 1997 में की गई थी धार में। पहला ई विलेज प्रोजेक्ट था, जो पहला भारत का पहला ऑटो टेस्टिंग ट्रैक भी धार में। चारा बनाने का संयंत्र भी धार में। धार के किलों का निर्माण किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगला देख लेते हैं हम झाबुआ। झाबुआ की जनसंख्या है 10,25,048। यहाँ का क्षेत्रफल है 6,778 वर्ग किलोमीटर, यहाँ की साक्षरता है 43.3%, झाबुआ का लिंगानुपात है 990, यहाँ की फसल है मुख्य फसल है मक्का। यहाँ भगोरिया हाट मेला झाबुआ में लगता है। गुजरात राजस्थान की सीमा पर स्थित मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला झाबुआ है। झाबुआ में रेल रिपेयर फैक्ट्री भी है। आपको बता दें, झाबुआ में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति का निवास स्थान तो झाबुआ में ही। आदिवासी शोध संचार भी झाबुआ में। मेघनगर झाबुआ का प्रमुख उद्योग केंद्र भी है। आवासीय खेल विद्यालय पेटलावाल झाबुआ में। जल ग्रहण मिशन में राज्य का शीर्ष जिला झाबुआ है। अगला जिला है हमारा अलीराजपुर, जिसे चंद्रशेखर आजाद नगर भी बोला जाता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जन्म यहीं हुआ था। यहाँ की जनसंख्या 7,28,999। यहाँ का क्षेत्रफल है 3,182 वर्ग किलोमीटर, यहाँ की साक्षरता है 36.1%, लिंगानुपात है 1011। स्थापना हुई थी इसकी 17 मई 2008 को झाबुआ से पृथक करके अलीराजपुर जिला बनाया गया था। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विश्वविद्यालय अलीराजपुर में। जुगट मान परियोजना भी अलीराजपुर में चालू की गई है। आपको बता दें, अलीराजपुर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है भारत का। आपको बता दें, भावरा तहसील है अलीराजपुर की। चंद्रशेखर आजाद का जन्म यहाँ हुआ था। अलीराजपुर में कट्ठीवाड़ा अभयारण्य, कट्ठीवाड़ा झरना भी स्थित है। आम की नूर जहाँ प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है अलीराजपुर। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अलीराजपुर जिला में पाई जाती है। अगला हमारा संभाग है भोपाल। भोपाल की बात करते हैं। फर्स्ट जिला भोपाल में जनसंख्या है 23,71,061 किलोमीटर। क्षेत्रफल है यहाँ का 2772 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की साक्षरता है 80.4%, लिंगानुपात है भोपाल का 918। स्थापना यहाँ राजा भोज द्वारा की गई थी भोपाल की। आपको बता दें, 26 जनवरी 1972 को भोपाल जिला बनाया गया था। पहले सेवर जिले की तहसील थी। प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भोपाल है। झीलों का शहर बोला जाता है भोपाल को। इसरो का उपकेंद्र भी भोपाल में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM भोपाल में स्थित है। एशिया का पहला उन्नत सांड प्रजनन केंद्र भदभदा भोपाल में स्थित है।
भोपाल जनसंख्या की वृद्धि दर में द्वितीय स्थान पर है, प्रथम इंदौर है। आपको सर्वाधिक महिला साक्षरता में सबसे सर्वाधिक 76% भोपाल में स्थित है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी भोपाल है। पंडित कुंजीलाल विश्वविद्यालय विधि कॉलेज भोपाल में, पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भी भोपाल में है। आपको बता दें जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान भी भोपाल में। एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत भी भोपाल में, भारत भवन भी भोपाल में, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन भी भोपाल में, पर्यावास भवन भी भोपाल में, देश का प्रथम मॉडल ब्लैक बैंक भी भोपाल के हमदिया अस्पताल में स्थित है। संग्रहालय की बात कर लेते हैं, भोपाल में स्थित है दुष्यंत कुमार पांडुलिपि प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, बिड़ला म्यूजियम, माधव राव सप्पे पत्रकारिता राज्य संग्रहालय, दूर संचार संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय 1985 में इसकी स्थापना। पर्यटन स्थल की बात करते हैं भोपाल की, तो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भी भोपाल में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, गोहर महल, ताजुल मस्जिद, भारत की सर्वाधिक बैठक क्षमता वाली मस्जिद है ताजुल मस्जिद जो भोपाल में, सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी भोपाल में, आकार मुड़िया घर भोपाल में, इस्लाम नगर का किला भी भोपाल में, कमला पार्क, बिड़ला मंदिर, मछली घर, सामसगढ़, जैन तीर्थ भोपाल में स्थित है। गुमोस्तुद्दीन शाह द्वारा निर्मित जामा मस्जिद भी भोपाल में, प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल की शुरुआत 2006 में भोपाल में की गई थी बड़ी झील में। भारत का हैवी इलेक्ट्रिकल भेल 1960 की ब्रिटेन के सहयोग से भोपाल में स्थित है। रेलवे कोच फैक्ट्री निशांतपुरा, सोया बिस्कुट बनाने वाला कारखाना भी भोपाल में स्थित है। MCA मास्टर फैसिलिटी सेंटर 2007 में इसरो द्वारा उपग्रह नियंत्रण केंद्र घोषित किया गया था भोपाल में स्थित है। आपको बता दें HSADTL हाई सेंसिटिव एनिमल डिसीज टेस्टिंग लेबोरेटरी भारत की एकमात्र भोपाल में स्थित है। सीमेट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर 2000 दिसंबर 2009 में भोपाल में स्थित है जी, स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो 1965 में स्थापना की गई थी, ये भी भोपाल में स्थित है। नरोन्या प्रशासनिक अकादमी भोपाल में स्थित है। साई क्षेत्रीय कार्यालय गोरागांव भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय भोपाल में, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। भारत का केंद्रीय कृषि अभियान की संस्थान भी भोपाल में, प्रथम टीवी स्टूडियो भोपाल में, संजीवनी संस्थान भोपाल में, देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। आपको बता दें सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला भोपाल है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में, माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। आपको बता दें MANIT मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सरोजिनी नायडू विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। मापतौल प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में, भोपाल शहर पांच पहाड़ियों पर बसा हुआ है। अगला हमारा जिला है सीहोर। सीहोर की जनसंख्या है 13,11,332। यहाँ के क्षेत्रफल है यहाँ का 6,578 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है यहाँ की 70.1%। लिंग अनुपात है सीहोर का 918। सीहोर में सलकनपुर मेला भी लगता है। आपको बता दें सीहोर बुधनी में रेलवे स्लीपर कारखाना भी स्थित है। भोपाल शुगर मिल सीहोर में स्थित है। पार्वती नदी कोलार नदी का उद्गम स्थल भी सीहोर में स्थित है। कोलार जलाशय परियोजना भी सीहोर में स्थित है। सीहोर में सिद्ध गणेश मंदिर भी स्थित है। देश का पहला आवासीय खेल विश्वविद्यालय भी सीहोर में आपको बता दें ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र बुधनी में है जो सीहोर में ही है। सीहोर का पूर्व नाम सिद्धपुर था जो सिवान नदी के नाम पर रखा गया था। आपको बता दें मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधायक था। सीहोर गए जिला है उनका, अभी भी बुधनी से विधायक है लेकिन सीएम नहीं है रहे।
पान गुड़ारिया बुदनी से अशोक के अभिलेख भी प्राप्त हुए। सारू मारू की प्रसिद्ध गुफाएं भी भोपाल में स्थित हैं। बढ़िया खेड़ी मंदिर भी सीहोर में स्थित है। अगला हमारा जिला है विदिशा। विदिशा की जनसंख्या है 14,58,875। यहाँ का क्षेत्रफल है 7,371 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की साक्षरता है 70.5%। लिंग अनुपात है 896। विदिशा का प्राचीन नाम है भेलसा महामलिस्थान या बेसनगर था। यहाँ बता दें विदिशा में वनस्पति घी उद्योग प्लास्टिक पाइप उद्योग है। पर्यटन विदिशा में पर्यटन स्थल हैं उदयगिरी की गुफाएं, जैन तीर्थ कर शीतलनाथ की जन्म कुंडली, उदयपुर गांव का नीलकंठ मंदिर, ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर विदिशा में स्थित है। आपको बता दें हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बेसनगर विदिशा में स्थित है। विदिशा में सबसे ज्यादा फसल उगाई जाती है चना। सम्राट अशोक सागर हलाली डैम विदिशा में स्थित है। सम्राट अशोक इंजीनियर कॉलेज विदिशा में स्थित है। 1992 में विदिशा का नाम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा रखा गया था। रायसेन जिले की बात करते हैं। रायसेन जिले में 13 लाख जनसंख्या है 13,31,597। यहाँ का क्षेत्रफल है 8,466 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की साक्षरता है 73%। लिंग अनुपात है रायसेन का 901। रायसेन जिले उद्योगिक का महत्वपूर्ण जिला है। उद्योग पहली फाइबर ऑप्टिकल देश की फैक्ट्री रायसेन में, मंडदीप रायसेन में स्थित है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइड फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री रायसेन में स्थित है। रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है। इसकी बेतवा नदी की प्रशासनिक तीन सौ 80 किलोमीटर लंबी है। रातापानी टाइगर प्रोजेक्ट भी रायसेन में स्थित है। सांची स्तूप बौद्ध जगत की पवित्र नगरी भीमबेटका विश्व का सबसे बड़ा शैलाशय भी रायसेन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर रायसेन में स्थित है। मकर संक्रांति शिवरात्रि एवं वसंत पंचमी पर मेला भी लगता है रायसेन में। रायसेन को पूर्व का सोमनाथ कहते हैं। कामखेड़ा मुगल कालीन प्रशासनिक मुख्यालय भी रायसेन में। गिन्नौर का किला भी रायसेन में। सांची रायसेन में स्थित है। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धार्मिक स्थल है। अशोक द्वारा निर्मित स्तूप भी सांची में। सांची अभिलेख से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। स्तंभ लेख जातक कथाएं उत्कीर्ण की गई इसमें। यहाँ विशाल प्रवेश द्वार, एक बौद्ध विहार, सतधार स्तूप भी सांची में स्थित है जो रायसेन में स्थित है। गुप्तकालीन मंदिर के भगवान वेश भी यही सांची में स्थित। अगला जिला है राजगढ़। राजगढ़ की बात करें, राजगढ़ की जनसंख्या है 15,45,814। यहाँ का क्षेत्रफल है 6,153 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की साक्षरता है 61.2%। लिंग अनुपात है 956। नरसिंहगढ़ अभयारण्य राजगढ़ में स्थित है। नरसिंहगढ़ का किला, जालिया माता मंदिर, धरेल महाड़ी का पशुपतिनाथ मंदिर, खोहरी महादेव मंदिर, भामगढ़ का हनुमान मंदिर, ये सब राजगढ़ में स्थित हैं। राजगढ़ देश का पहला ऐसा जिला है जिसमें प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक रेगिस्तान वाला जिला राजगढ़ है। बेवरा जो को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा बोला जाता है, जो राजगढ़ में स्थित है। चीली खो झील वन्य जीव अभयारण्य के अंदर स्थित है, जो नरसिंहगढ़ तहसील में है राजगढ़ में। नरसिंहगढ़ को कश्मीर मालवा भी कहा जाता है। अगला हमारा जिला है, अगला संभाग है होशंगाबाद संभाग, जिसे नर्मदापुरम भी बोला जाता है। इसमें बात करते हैं होशंगाबाद। होशंगाबाद जिला की तो इसकी जनसंख्या है 12,41,350। इसका क्षेत्रफल है
67,73 वर्ग किलोमीटर, यहाँ की साक्षरता है 75.3%। लिंग अनुपात है होशंगाबाद का 914। होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जिसको होशंग सायन गौरी ने इसे बसाया था। आपको बता दें, होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल स्टील संयंत्र डोलारिया स्थापित है। इटारसी में आयुध डिपो है जो होशंगाबाद में। एमपी एग्रो मोरारी की खाद कारखाना रैसलपुर होशंगाबाद में स्थित है। पर्यटन स्थल पचमढ़ी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पांडव गुफाएं, तवा बांध, सेठानी घाट, सनसेट पॉइंट, डचेज जलप्रपात, बोरी अभयारण्य भी होशंगाबाद में स्थित है। आपको बता दें, होशंगाबाद सबसे अधिक सिंचित जिला है। भारत की दूसरी मदर डेयरी होशंगाबाद में, पहली लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में थी। एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी होशंगाबाद में से। सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़ पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। जड़ी बूटी बैंक एवं जैव विविधता केंद्र पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म बाबई होशंगाबाद में। बाबई माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है। इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, जो होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल पचमढ़ी होशंगाबाद। होशंगाबाद में तवा कोयला क्षेत्र भी स्थित है। आपको बता दें, बुल फ्राम खनिज के लिए प्रसिद्ध अगर गांव होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल तवा नदी पर स्थित है, जो होशंगाबाद में स्थित है। पहला जिला जो सिविल न्यायालय ऑनलाइन होने वाला पहला जिला है होशंगाबाद। आर्मी एजुकेशन कोर पचमढ़ी में स्थित है होशंगाबाद में। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में लगता है। नवपाषाण कालीन स्थल आदमगढ़ भी होशंगाबाद में। होशंगाबाद गेहूं में प्रति हेक्टर उत्पादन में देश में पहला स्थान है। राज्य की दूसरी खुली जेल 2010 में स्थापित की गई थी होशंगाबाद में। अगला जिला है हरदा। इसकी जनसंख्या है 5,70,465। क्षेत्रफल है यहाँ का 33,034 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 72.5%। लिंग अनुपात है 935। हरदा का में कान्हा बाबा का मेला सोडालपुर में लगता है। यहाँ के हरदा में नेमावर तीर्थ स्थल भी है नर्मदा तट पर, और हरदा में मकड़ाई का किला भी स्थित है। आपको बता दें, बोरी अभयारण्य हरदा में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हरदा है। अभी जो इनके 52वां जिला बना है निवाड़ी, ये भी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा सबसे छोटा जिला है। आपको बता दें, हरदा के प्रोफेसर महेश दत्त मिश्र गांधी जी के अभिन्न सहयोगी रहे थे। 15 अगस्त 1947 को विराठा जी ने हरदा पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराया था। अगला हमारा बैतूल। बैतूल की बात करें, आपको बता दें, यहाँ की बैतूल की जनसंख्या है 15,75,362। बैतूल का क्षेत्रफल है 10,043 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ की साक्षरता है 68.9%। लिंग अनुपात है 971। बैतूल का भारत का मध्य बिंदु है बैतूल। कोरकू जनजाति भी बैतूल में पाई जाती है। बैतूल में ग्रेफाइट पाया जाता है। आपको बता दें, बैतूल में ताप्ती नदी मुलताई तालाब से निकलती है, जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। भोपाली का मेला भी बैतूल में लगता है। काली भीत अभयारण्य, जो भालुओं को का संरक्षण करता है, ये भी बैतूल में स्थित है। मठार देव बालाजी मंदिर, मुक्तागिरी जीव तीर्थ जैन तीर्थ स्थल भी बैतूल में स्थित है। सारणी ताप विद्युत केंद्र भी बैतूल में। आमला में वायुसेना की सैनिक छावनी भी स्थित है।
प्रदेश की संतरा मंडी मुलताई बैतूल में स्थित है। पशु बाजार के लिए प्रसिद्ध है बैरूल बाजार जो बैतूल में स्थित है। वनरक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बैतूल में स्थित है। 2012 में प्रथम गोंडी सामुदायिक केंद्र भी बैतूल में स्थित है। अगला हमारा संभाग है जबलपुर। चलिए जबलपुर जिले की बात करते हैं। इसकी जनसंख्या है, सॉरी दोस्तों आपको बता दें, बैतूल है, इसका क्षेत्रफल 1043 वर्ग किलोमीटर है। 10,000, यहाँ गलत लिख गया है, छापने वाले ने गलती की, चलिए सुधार लीजिए। चलिए हम जबलपुर जिले की बात कर रहे थे। जबलपुर की जनसंख्या है 24,63,289। क्षेत्रफल है यहाँ का 5,210 किलोमीटर, 10 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की साक्षरता है 81.1%, जो सर्वाधिक है। लिंगानुपात है 929। आपको बता दें जबलपुर में मदन महल, 64 योगिनी का मंदिर, पैसन हारी की मढ़िया, पेजन हरी जैन तीर्थ, माला देवी का मंदिर स्थित जबलपुर में है। आपको बता दें नर्मदा नदी पर जो भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात बनते हैं जो जबलपुर में है। तिगवा नामक गांव में त्रिपुरी सुंदरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित जबलपुर में। विष्णु मंदिर बरेला में दुर्गावती समाधि स्थल जबलपुर में स्थित है। आपको बता दें जवाली ऋषि के नाम पर इसका नाम जबलपुर पड़ा था। भारी वाहन कारखाने, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप, गन कैरेज एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में स्थित है। आपको बता दें मध्य प्रदेश का मानक समय जबलपुर से निर्धारित किया जाता है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय 1956 में जबलपुर में स्थित किया गया। इसकी ब्रांचें बता दें तो इसकी ब्रांचें इंदौर और ग्वालियर में है। जबलपुर को न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, महेशी वैदिक विश्वविद्यालय भी जबलपुर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र भी जबलपुर में स्थित है। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र भी जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1964 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में त्रिपुरी ऐतिहासिक नगरी जो कलचुरियों की राजधानी रहा है। आपको बता दें 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। रूपनाथ में अशोक का अभिलेख भी है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है जबलपुर। महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज जबलपुर में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान एवं ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर में स्थित है। देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र भी जबलपुर में स्थित है। वन डेगन डेग वर्नस लागू करने वाला देश का पहला जिला जबलपुर है। आपको बता दें तिलवाड़ा घाट नर्मदा नदी पर स्थित है, जो महात्मा गांधी की अस्थियां यहाँ प्रवाहित की गई थी। रानी अवंतीबाई बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, जो बरगी गांव में, जो जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का द्वितीय पशु चिकित्सालय महाविद्यालय जबलपुर में स्थित है। थल सेना का सशस्त्र स्कूल जबलपुर में स्थित है। पश्चिम में मध्य रेलवे मुख्यालय जबलपुर में, इसकी स्थापना अप्रैल 2003 में की गई थी। लकड़ी चीरने का मुख्य केंद्र जबलपुर में कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में स्थित है। बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र भी जबलपुर है। जबलपुर में आम में जिला घोषित किया गया है जबलपुर। संस्कार की राजधानी जबलपुर को बोला जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जबल समारोह जबलपुर में आयोजित किया जाता है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान भी जबलपुर में स्थित है। अगला हमारा जिला है कटनी। कटनी की जनसंख्या है 12,92,042। यहाँ का क्षेत्रफल है 49,50 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है यहाँ की 72%। लिंग अनुपात है 952। स्थापना हुई कटनी की 1998 में, जबलपुर से अलग करके किया गया था। कटनी को चूना नगरी, मार्बल नगरी भी बोला जाता है। आपको बता दें कि कटनी में एसीसी सीमेंट की कैमूर सीमेंट फैक्ट्री भी स्थित है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कीटनाशक दवाई बनाने का संयंत्र कटनी में स्थित है।
मध्य प्रदेश में कटनी में केन नदी है। आपको बता दें, देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान यहीं की कटनी की थी। आपको बता दें, यहाँ बहुरी वन प्रसिद्ध धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थल कटनी में स्थित है। जैन तीर्थकर शांतिनाथ की 12 फीट ऊंची मूर्ति बिलहारी पुष्पावती नगर कटनी में स्थित है। कटनी में रूपनाथ अशोक का अभिलेख, 5 लिंगी शिव प्रतिमा, 3 पवित्र कुंड रामकुंड सीताकुंड लक्ष्मण कुंड स्थित है। टीग वन गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि का अभिलेख भी कटनी में स्थित है। अगला हमारा जिला है सिवनी। सिवनी की जनसंख्या है 13,79,131। यहाँ का क्षेत्रफल सिवनी का है 8,758 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है सिवनी की 72.1% और लिंगानुपात है 982। सिवनी का आकार है समुद्र घोड़े की आकृति वाला है। मध्य प्रदेश का लखनऊ बोला जाता है सिवनी को। भैरो धान का मेला भी सिवनी में लगता है। आपको बता दें, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को प्रियदर्शिनी पार्क भी बोला जाता है। बैनगंगा नदी भी यही है सिवनी सिवनी में। भीमगढ़ बांध सिवनी जिले में स्थित है। बैनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ मिट्टी बांध बना है। सिवनी से NH-7 गुजरता है। सिवनी प्रथम पीपीपी आधारित मेडिकल कॉलेज सिवनी में प्रस्तावित है। बालाघाट जिले की अगला है हमारा जिला बालाघाट। बालाघाट की बात करें, यहाँ की जनसंख्या है 17,01,698। क्षेत्रफल है बालाघाट का 9,229 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 77.1% प्रतिशत। लिंगानुपात है यहाँ का 1021। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात बालाघाट में ही स्थित है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है मध्य प्रदेश की बालाघाट। शिकारियों का स्वर्ग भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को। बालाघाट से बैनगंगा बागदेव नदी गुजरती है। आपको बता दें, बालाघाट में पर्यटन स्थल है नालेसरा बांध, चंदन नदी पर अम्बाबाई का प्रसिद्ध मंदिर भी बालाघाट में स्थित है। गांगुल पारा जलप्रपात भी स्थित है बालाघाट में। लाजी का प्रसिद्ध किला भी, जिसे कलचुरी चुरी वंश के शासकों ने बनाया था, यह भी बालाघाट में स्थित है। बालाघाट धान उत्पादक में शीर्ष जिला है, मतलब सबसे ज्यादा धान यही उत्पादित की जाती है। बालाघाट नक्सल प्रभावित जिला भी है। बेगा जनजाति बालाघाट में पाई जाती है। बालाघाट को मैगनीज नगरी भी कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खान भरवेली बालाघाट में स्थित है। बता दें, मध्य प्रदेश का प्रथम वन राज्य महाविद्यालय बालाघाट में स्थित है। मलाजखंड तहसील दामा नगरी बालाघाट में स्थित है, जो हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मजालखंड बालाघाट में। फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट में स्थित है। अगला जिला आगरा मंडला। आपको बता दें, मंडला की जनसंख्या 10,54,905 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या है 10,54,905। क्षेत्रफल है यहाँ का 5,800 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की साक्षरता है मंडला की 66.9%। लिंग अनुपात है 1,008 मंडला का। आपको बता दें, 25 मई 1998 में डिंडोरी से अलग करके मंडला जिला बनाया गया था। परमाणु विद्युत गृह चुटका में मंडला में स्थित है। आपको बता दें, मंडला में 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। वो पहला जिला है मध्य प्रदेश का जिसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक कान्हा एवं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। मंडला में फॉसिल उद्यान भी स्थित है, कुछ भाग डिंडोरी में ही।
फॉसिल्स प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कैन अभयारण्य भी मंडला में है। आपको बता दें कन्या किसलिए राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां हवाई पट्टी है। मोती महल, बेगलीन महल, शनि मंदिर, बाला मंदिर मंडला में स्थित है। चलो अगला है हमारा जिला आप जो नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। मंडला नदियों का द्वीप भी कहा जाता है मंडला को। मंडला में अवं स्वतंत्रता सेनानी अवंती बाई यहीं की थी मंडला की। अगला हमारा जिला है नरसिंहपुर। यहाँ नरसिंहपुर की जनसंख्या है 10,91,854। नरसिंहपुर का क्षेत्रफल है 51,33 वर्ग किलोमीटर। नरसिंहपुर की साक्षरता है 75.7% और लिंगानुपात है 920। बरमान का मेला नरसिंहपुर में लगता है। डमरू घाटी, नरसिंहपुर का किला बरमान नरसिंहपुर में स्थित है। भीमकुंड और अर्जुन कुंड भी नरसिंहपुर में स्थित है। परमहंसी गंगा आश्रम, जोटेश्वर, लोधेश्वर, शिव मंदिर, हनुमान टेकरी, पारे के शिवलिंग, ये भी नरसिंहपुर में स्थित हैं। आपको बता दें कि यहाँ नर्मदा नदी के तट पर नरसिंहपुर में ब्रह्मा जी की यज्ञशाला, रानी दुर्गावती मंदिर, हाथी दरवाजा, बारह मूर्ति स्थित है। अरहर उत्पादन में नरसिंहपुर सबसे प्रथम जिला है। हिंदी भाषा क्षेत्र में नरसिंहपुर जिले को भारत का पहला पूर्णतः साक्षर जिला होने का गौरव सन 1992 में प्राप्त कर चुका था। किशोर जेल भी नरसिंहपुर में है। अगला हमारा जिला है छिदवाड़ा। छिदवाड़ा की जनसंख्या है 20,90,922। यहाँ का छिदवाड़ा का क्षेत्रफल है 11,815 वर्ग किलोमीटर। छिदवाड़ा की साक्षरता है 71.2%, लिंगानुपात है 964। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिदवाड़ा है। आपको बता दें छिदवाड़ा में बादल कोई आदिवासी म्यूजियम 1954 में स्थापित किया गया था। आदिवासी कला संग्रहालय छिदवाड़ा में स्थित है। एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना राज्य द्वारा छिदवाड़ा में ही की गई थी। टेक्सटाइल पार्क की घोषणा केंद्र द्वारा की गई थी यही छिदवाड़ा में। रियान इंडस्ट्रीज बस उद्योग छिदवाड़ा में। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हिंदुस्तान में। आपको बता दें पेंच पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग छिदवाड़ा में है। हमारा जिला है डिंडोरी। आपको बता दें डिंडोरी की जनसंख्या 7,04,524। क्षेत्रफल यहाँ का 7,469 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है डिंडोरी की 63.9%। लिंगानुपात है 10,1002। इस 1998 में मंडला से अलग होकर डिंडोरी को बनाया गया। डिंडोरी में बता दें कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात में चौथा स्थान है डिंडोरी का। आपको बता दें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डिंडोरी है। छत्तीसगढ़ राज्य से सटा हुआ पूर्वी जिला है डिंडोरी। जगतपुर इको टूरिज्म जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में स्थित है। डिंडोरी में लोक नृत्य सुआ,
कर्मा, रीना, बिल्मा, नेत, जनजाति नेत होते हैं। बेंगा एवं गोंडी जनजाति भी पाई जाती है इंडोरी। अगला हमारा संभाग है शहडोल संभाग। शहडोल संभाग में बात करते हैं शहडोल जिले की। यहाँ की जनसंख्या है 10,66,063। क्षेत्रफल है यहाँ का 6,205 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 66.7%। लिंग अनुपात है 974। और शहडोल में बता दें सोन घड़ियाल अभयारण्य सीधी शहडोल सीमा पर स्थित है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र भी शहडोल में है। ओरिएंटल पेपर मिल भी अमलाई शहडोल में है। शहडोल में दूरदर्शन आकाशवाणी भी है। सोहागपुर कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र शहडोल में स्थित है। आपको बता दें देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी सोहागपुर से निर्वाचित हुई थी। बाण सागर परियोजना देवलोक नामक स्थान पर स्थित है शहडोल में। शहडोल में प्राचीन प्रसिद्ध बूढ़ी देवी माता मंदिर भी है। अंतरा में कंगाली देवी मंदिर भी प्रसिद्ध है। नवरात्रि में मेला लगता है, ये भी शहडोल में है। बटेश्वर मंदिर बाण गंगा, ये भी शहडोल में स्थित है। आपको बता दें रिलायंस ग्रुप द्वारा सेल गैस संयंत्र यहीं शहडोल में स्थापित है। यूरेनियम खनिज वाला राज्य का एकमात्र जिला शहडोल है। चलिए अगला जिला है हमारा अनूपपुर। अनूपपुर की जनसंख्या है 7,49,237। इसका क्षेत्रफल है 3,701 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है यहाँ की 67.9%। लिंग अनुपात है 976 अनूपपुर का। 15 अगस्त 2003 को शहडोल से अलग होकर अनूपपुर नया जिला बना था। आपको बता दें अनूपपुर में माई की बगिया, सोन मोड़ा, नवग्रह मंदिर, कबीर चबूतरा, जलेश्वर महामंदिर, देव मंदिर, आदिनाथ मंदिर, बेगू, ऋषि की गुफा, सती मंदिर पर्यटन स्थल अनूपपुर जिले में है। कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात अनूपपुर में है। कोतमा कोल माइंस के लिए प्रसिद्ध अनूपपुर। वेंकट नगर बीड़ी उद्योग, ये भी अनूपपुर में है। अनूपपुर में अमरकंटक है। आपको बता दें अमरकंटक मैकाल श्रेणी में उपस्थित एक हिल स्टेशन है। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन, जोहिला। शंभू धारा, दुर्गा धारा, नर्मदा नदी की दो धाराएं हैं। चचाई धर्मल पावर स्टेशन भी अमरकंटक में है। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में 2008 में स्थापित हुआ था। जे अनूपपुर में है अमरकंटक जिला। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण केंद्र भी अमरकंटक में है। नर्मदा मंदिर भी अमरकंटक में है। महाकुंभ अमरकंटक में आयोजित किया जाता है जैन धर्म का। यहाँ पर आदिनाथ जैन तीर्थ कर की सबसे बड़ी अष्ट धातु की प्रतिमा भी स्थित है अमरकंटक में। अगला हमारा जिला है उमरिया। उमरिया की जनसंख्या है 6,44,758। क्षेत्रफल है 4,076 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है यहाँ की 65.9%। लिंग अनुपात है 950 उमरिया का। आपको बता दें 1998 में शहडोल से पृथक होकर उमरिया जिला बना था। लाख से चपड़ी बनाने का कार्य शासकीय कारखाना उमरिया में स्थित है। बांधवगढ़ का किला बघेल वंश के शासकों ने विक्रमादित्य ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था, ये भी उमरिया में स्थित है। आपको बता दें कि शेष शाही तालाब और विष्णु मंदिर उमरिया में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी उमरिया में स्थित है। अगला हमारा जिला है रीवा। रीवा संभाग है और रीवा जिला अगला देखते हैं। रीवा, रीवा में बता दें इसकी जनसंख्या है 23,65,106। यहाँ का क्षेत्रफल है रीवा का 6,314 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की साक्षरता है 71.6%। रीवा की लिंग अनुपात है रीवा का 931, एमपी का भी 931 है।
उत्तर प्रदेश से सटा हुआ यह जिला है। अब आपको बता दें, सफेद शेरों की भूमि और विंध्य प्रदेश की राजधानी भी बोला जाता है रीवा को। आपको बता दें, भीयड़ नदी पर चचाई जलप्रपात, केवटी बहुड़ी जलप्रपात रीवा में स्थित है। सीमेंट उद्योग और कद्दा उद्योग भी रीवा में स्थित है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला रीवा है। रीवा में सुपारी के खिलौने बनाने का कारखाना भी है। आपको बता दें, रीवा में मेला महामृत्युंजय का मेला भी लगता है। एकमात्र सैनिक मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में है। अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी, सिंह यूनिवर्सिटी भी रीवा में है। आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में है। चलिए अगला देखते हैं। टोंस जल विद्युत सिरमौर रीवा में है। रीवा का पूर्व नाम भया है। रीवा जिले का आकार है त्रिभुजाकार। आपको बता दें, रीवा में ठाकुर रमत सिंह स्टेडियम भी स्थित है। पुलिस मोटर वर्कशॉप भी रीवा में, पुलिस वाहन प्रशिक्षण केंद्र भी रीवा में। अलसी के उत्पादन में रीवा जिला अव्वल है। चलिए अगला देखते हैं हम। सीधी सीधी की जनसंख्या है 11,27,033। यहाँ का सीधी का क्षेत्रफल है 4,851 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 64.4%। और सीधी का लिंगानुपात है 957। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 2000, जिसे 2007 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, ये भी सीधी में है। सोन अभ्यारण्य सीधी में स्थित है। आपको बता दें, सीधी की भूमि को कोयला एवं चावल की भूमि भी कहते हैं। बता दें कि चुरहट गांव है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का गृहस्थी रहा है, जो सीधी में है। अगला जिला है हमारा सिंगरौली। सिंगरौली की जनसंख्या की भी बात करें तो 11,78,273 वर्ग है इसकी। क्षेत्रफल है इसका 5,675 वर्ग किलोमीटर। और साक्षरता है सिंगरौली की 60.4%। लिंग अनुपात है 920 सिंगरौली का। आपको बता दें, 24 मई 2008 को सीधी से अलग करके सिंगरौली बनाया गया था। सिंगरौली सर्वाधिक पूर्वी जिला है। सिंगरौली को ऊर्जा की राजधानी भी बोला जाता है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बेडन सिंगरौली में है। चलिए आपको बता दें, एनटीपीसी का 4000 मेगावाट का शक्ति संयंत्र भी यही है। एसटीएससी के लिए विशेष न्यायालय भी सीधी में है, सिंगरौली में। 82.5 देशांतर रेखा यहां से गुजरती है सिंगरौली से। अगला हमारा जिला है सतना। सतना की बात करें, सतना की जनसंख्या है 22,28,935। सतना का क्षेत्रफल है 7502 वर्ग किलोमीटर। और सतना की साक्षरता है 72.3%। लिंग अनुपात है सतना का 926। आपको बता दें, जेपी सीमेंट एवं बीडी उद्योग सीमेंट बीडी उद्योग सतना में स्थित है। चित्रकूट में गदा का मेला है, जो सतना में स्थित है। मेहर में शारदा देवी का मंदिर है। भूमरा खोर गुप्तकालीन मंदिर भी सतना में स्थित है। मंदाकिनी नदी एवं गुप्त गोदावरी नदी चित्रकूट जल प्रपात मंदाकिनी नदी पर स्थित है, ये भी सतना में। सती अनुसुईया एवं अत्री ऋषि का आश्रम भी यही है चित्रकूट में। भरहूत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो सतना में स्थित है। राम मंदिर तुलसी संग्रहालय चित्रकूट में, सतना में जिले में। आपको बता दें, चित्रकूट में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय भी स्थित है, जिसकी स्थापना नानाजी देशमुख ने की थी। विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में, अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी मेयर चित्रकूट में है, सतना में। अगला हमारा संभाग है सागर। सागर जिला की बात करते हैं, सागर जिले की बात करते हैं। इसकी जनसंख्या है 23,78,458। क्षेत्रफल है 10,252 वर्ग किलोमीटर। सागर का साक्षरता है सागरी 76.5%। और लिंगानुपात है 893 सागर का। 7 जिलों से घिरा हुआ है जिला सागर। धमोनी उर्स मेला उर्स भी लगता है सागर में।
नौरादेई अभ्यारण्य भी सागर में स्थित है। स्वामी विवेकानंद प्राइवेट विश्वविद्यालय एवं हरि सिंह और विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय 1946 में हरि सिंह विश्वविद्यालय बना था। जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकादमी भी सागर में स्थित है। महार रेजिमेंट का मुख्यालय भी सागर में है। आपको बता दें, बीना तहसील के आगा सौद में ओमान की रिफाइनरी लगाई गई है जो सागर में है। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में स्थित है। कीटनाशक संयंत्र बीना सागर में स्थित है। गेहूं अनुसंधान केंद्र सागर में स्थित है। फॉरेंसिक साइंस लैब सागर में स्थित है। एरड अभिलेख सागर में स्थित है, जो सती प्रथा के यहाँ से साक्ष्य मिले हुए हैं, समुद्रगुप्त से संबंधित। मंगलगिरी जैन तीर्थ भी सागर में है। राहतगढ़ एवं गढ़कोटा का किला भी सागर में है। स्वान योजना जुलाई 2009 में सागर जिले से शुरू की गई थी। बुंदेलखंड का विकास प्राधिकरण का मुख्यालय भी सागर में है। अगला जिला है हमारा छतरपुर। छतरपुर की जनसंख्या है 17,62,375। यहाँ का छतरपुर का क्षेत्रफल है 8,687 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है छतरपुर की 63.7%। लिंगानुपात है 883। छतरपुर का उपमा है जिजाक भुक्ति। जल बिहारी का मेला भी छतरपुर में लगता है। खजुराहो धुबेला संग्रहालय एवं मंदिर समूह के लिए प्रसिद्ध नौगांव, पांडव प्रताप, रंगव झील, बीनी सागर, ये सभी छतरपुर में हैं। आप खजुराहो के बारे में जान लेते हैं। खजुराहो को विश्व धरोहर सूची में 1986 में जोड़ा गया था। सांची को 1989 में और भीमबेटका को 2003 में विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया था। आपको बता दें, चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी में इन मंदिरों की निर्माण किया था। खजुराहो की इसमें शामिल है कंदरिया महादेव, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर प्रमुख हैं। आदिवासी कला संग्रहालय भी छतरपुर में है। चलिए अगला बात, हम टीकमगढ़ जिले की बात करते हैं। आपको बता दें, टीकमगढ़ जिला की जनसंख्या है 14,45,166। आपको बता दें, क्षेत्रफल में टीकमगढ़ का क्षेत्रफल है 55,048 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 61.4%। टीकमगढ़ का लिंग अनुपात है 901। टीकमगढ़ का तालाब और पर्वतों का जिला भी बोला जाता है टीकमगढ़ को। आपको बता दें कि अभी टीकमगढ़ से एक नया जिला बनाया है, निवाड़ी। निवाड़ी का क्षेत्रफल है 1,318 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या है 4,01,000। और यहाँ के अभी बता दें कि यहाँ के फर्स्ट IAS बने अक्षर कुमार, और क्षेत्रफल वो यहाँ के SP है मुकेश कुमार श्रीवास्तव। आपको बता दें कि ओरछा जो है हमारा, वो अब निवाड़ी जिला में आएगा। बेतवा नदी के किनारे बुंदेला वंश की राजधानी रहा है ओरछा। यहाँ बता दें, राम राजा के प्रसिद्ध मंदिर जटाशंकर तीर्थ, कुकड़ेश्वर मंदिर, शिवलिंग का आकार बढ़ता है, पायोराजी एवं ताला जैन तीर्थ स्थल भी ओरछा में है, जो निवाड़ी जिले में आते हैं। अब आपको बता दें, प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती टीकमगढ़ जिले से है। ओरछा में रामायण संग्रहालय स्थापित है। अयोध्या नगरी भी ओरछा को बोला जाता है। अगला जिला हमारा दमोह है। ठीक, दमोह की जनसंख्या है 12,64,219। यहाँ का दमोह का क्षेत्रफल है 7,306 वर्ग किलोमीटर। दमोह की साक्षरता है 69.7%। लिंगानुपात है 910। आपको बता दें, ऐसा गांव के पास निदान कुंड नामक जलप्रपात भी दमोह में स्थित है। रानी दुर्गावती अभयारण्य नपारा पिकनिक स्पॉट भी दमोह में स्थित है। नरसिंहगढ़ में लाइम स्टोन भी स्थित है, जो दमोह में। डायमंड सीमेंट की फैक्ट्री दमोह में स्थित है। पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध है दमोह। पीतल नगरी भी दमोह को बोला जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाल श्रमिक दमोह जिले में है।
आपको बता दें, कुंडलपुर नामक जैन तीर्थ स्थल, बंदकपुर प्रसिद्ध शिव मंदिर दमोह में स्थित है। बतियागढ़ का किला भी दमोह में है, पाषाण वास्तुकला का उदाहरण है। जो दमोह से कर्तव्य नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता है। अगला जिला है हमारा पन्ना। पन्ना की जनसंख्या 10,16,520। क्षेत्रफल है इसका पन्ना का 7,135 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 64.8%। लिंग अनुपात है 905। हीरा उत्खनन के लिए पन्ना विश्व प्रसिद्ध है, में प्रसिद्ध है। आपको बता दें, हीरा का उत्खनन NMDC करती है, जो 2009 से कर रही है। अजयगढ़ तहसील जो पन्ना में स्थित है, सबसे छोटी तहसील, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है। पन्ना में टी हाउस है। सीमेंट औद्योगिक केंद्र पुरैना पन्ना में स्थित है। गंगऊ अभ्यारण्य भी पन्ना में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना व छतरपुर जिले में विस्तृत है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य भी पन्ना में है। पन्ना को आंवला जिला भी बोला जाता है। पांडव जल जल प्रपात भी पन्ना में है। बलदेव मंदिर भी पन्ना में है। पद्मावती या बड़ी देवी का मंदिर भी पन्ना में। अजयगढ़ का किला भी पन्ना में। अगला हमारा संभाग है ग्वालियर। ठीक, ग्वालियर जिला की बात कर, फर्स्ट है ग्वालियर जिला इसमें। चलो ठीक, इसकी ग्वालियर की जनसंख्या 20,32,036 और क्षेत्रफल है यहाँ का 4,560 वर्ग किलोमीटर। ग्वालियर का साक्षरता है 76.7%। ग्वालियर की लिंग अनुपात है, ग्वालियर का लिंग अनुपात है 864 और राजा सूर्य सेन ने ग्वालियर नगर बसाया था ऋषि गालो ऋषि के सम्मान में 8वीं शताब्दी में। आपको बता दें, छतीबाग, ग्वालियर का किला, मानसिंह मंदिर, बाड़ा, गुंजरी महल, तानसेन का मकबरा, गौस मोहम्मद का मकबरा, रूप सिंह स्टेडियम, लक्ष्मीबाई की समाधि, मोती महल, जयविलास पैलेस, गोपांचल की दिगंबर जैन की मूर्ति, तेली का मंदिर, सूर्य मंदिर, ये सब ग्वालियर में है स्थल। ग्वालियर में दयास लाई के डिब्बे बनाने का कारखाना है। चीनी मिट्टी एवं बिस्कुट उद्योग भी ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला भी ग्वालियर में लगता है। गजराजा मेडिकल कॉलेज भी ग्वालियर में है और मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय ग्वालियर में है और महालेखाकार कार्यालय भी ग्वालियर में है। CRPF का प्रशिक्षण केंद्र भी ग्वालियर में। NCC का महिला प्रशिक्षण केंद्र भी ग्वालियर में। देश का प्रथम एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर भी ग्वालियर में है, 31 अक्टूबर 2009 में स्थापित हुआ। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र भी ग्वालियर में। घाटी गांव अभ्यारण्य जिसमें सोनचरिया का संरक्षण किया गया है, ये भी ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, ये बता ही दिया, जहां तानसेन समारोह हर वर्ष किया जाता है। ग्वालियर के किले को किलों का रतन या जिब्राल्टर कहा जाता है, ये संज्ञा बाबर ने दी थी। मध्य प्रांत की ग्वालियर राजधानी भी रह चुका है। समुदन जैविक फार्म हाउस भी डबरा ग्वालियर में आता है। तैरता हुआ रंगमंच बेजाताल ग्वालियर में स्थित है। मानसिक चिकित्सा संस्थान ग्वालियर में है और इंदौर में भी है। ये तो आपको बता ही चुके हैं कि उच्च न्यायालय का खंडपीठ भी ग्वालियर में है और दूसरा इंदौर में है। विश्वविद्यालय की बात कर लें तो जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, जो 1964 में स्थापित हुआ। और ग्वालियर में सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय भी स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय भी ग्वालियर में है। जिस राजा मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय भी ग्वालियर में। विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय भी ग्वालियर में है। चलिए अब अगला जिला है हमारा शिवपुरी। शिवपुरी की जनसंख्या है 17,26,050। यहाँ का क्षेत्रफल है शिवपुरी का 10,278 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है यहाँ की 62.8%।
5%, और लिंग अनुपात है सिफ्री का 877। पीर बुधान का मेला सुफरी में भी लगता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसन भवन भी है सुफरी में। करेरा अभयारण्य ये सुफरी जिले में आता है, जहाँ सोन चिड़िया का संरक्षण है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी यहीं से गुजरता है इस उद्यान से। आपको बता दें संघ सागर और माधव सागर बांध भी सिवपुरी में है। सिवपुरी मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन स्थल भी घोषित हुआ 2010 में। नरवर का किला भी सिवपुरी में, तत्या टोपे की समाधि भी सिवपुरी में, सिंधिया परिवार की छतियां भी सिवपुरी में, टाइगर सफारी भी सिवपुरी में, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुजरता है यहाँ से, देख लीजिए। कत्था बनाने का कारखाना भी शिवपुरी में है। भगवान शिव को शिव की नगरी भी बोला जाता है शिवपुरी को। मध्य प्रदेश का पहला परमाणु विद्युत केंद्र भीमपुर भी प्रस्तावित है शिवपुरी में। अगला है गुना। गुना की जनसंख्या है 12,41,519। यहाँ का क्षेत्रफल है 6,485 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 63.2%। लिंग अनुपात है गुना का 912। तेजा जी का मेला भी गुना में लगता है। उद्योग विजयपुर में गेल कंपनी का उद्योग है जो गुना में है। नेशनल फर्टिलाइजर जैस विजयपुर गुना, जिसे अमेरिका के स्टील के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये भी गुना में है। भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र भी गुना में है। हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन यहीं से गुना से गुजरती है। अगला हमारा अशोक नगर। अशोक नगर की जनसंख्या है 8,45,071। क्षेत्रफल है अशोक नगर का 4,676 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है अशोक नगर की 66.4%, और अशोक नगर का लिंग अनुपात है 904। अशोक नगर की स्थापना 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग करके की गई थी। चंदेरी का किला प्रसिद्ध है, और साड़ियाँ हैं चंदेरी की प्रसिद्ध, ये भी अशोक नगर में है। चंदेरी में बैजू बावरा संगीतकार भी अशोकनगर में ही है। अगला खुली जेल मुंगावली भी अशोकनगर में है, ठीक। आनंदपुर आश्रम सिख समुदाय का यही स्थापित है अशोकनगर में। मध्य प्रदेश का प्रथम, भारत का प्रथम राज्य जो चंदेरी साड़ी पेटेंट कराने वाला जिला है। यहाँ अशोकनगर में मोल बांध और पूंछ बांध भी पार्वती नदी पे बने हुए हैं। लक्कुश जन्म स्थल थुबान जैन क्षेत्र सहयोग समुदाय संप्रदाय का चंदेल मठ भी अशोकनगर में स्थित है। चंदेरी में बादल महल, कोसक महल भी चंदेरी में, जो अशोकनगर में आते हैं। अगला हमारा है दतिया। दतिया की जनसंख्या है 7,86,754, और दतिया का क्षेत्रफल है 2,691 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है दतिया की 72.6%। लिंग अनुपात है 873 दतिया का, ठीक है। प्राचीन नाम है दिलीप नगर दतिया का। दतिया में पुराना महल, हवा महल, खेती महल भी दतिया में है। गुजरा गुजरा जो अशोक के अभिलेखों द्वारा प्राप्त हुआ है, इस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पीताम्बरा पीठ भी दतिया में। रतनगढ़ का माता का मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ ग्वालियर में, दतिया में, ग्वालियर संभाग में। सोनागिरी जैन तीर्थ भी दतिया में। और दतिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। आपको बता दें कि अभी जो नया 52 जिला बना है निवाड़ी, ये अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। कुंदरू सिंह संगीत कॉलेज भी दतिया में। दतिया को लघु वृंदावन भी की संज्ञा दी गई है। बगुलामुखी देवी, धूमावती देवी मंदिर भी दतिया में है। सेवनदाह जलप्रपात सिंधु नदी पर दतिया में है। भांडेर में गैस आधारित पिथम विद्युत संयंत्र भी है जो दतिया में है। अगला हमारा संभाग है
चंबल, चंबल बता दें आपको कि चंबल की, चंबल में भिंड जिला पहला है। इसकी भिंड जिला की जनसंख्या है 17,03,005, क्षेत्रफल है भिंड का 4,459 वर्ग किलोमीटर, साक्षरता है 75.3% भिंड की, लिंग अनुपात है 837, और भिंड में जमधारा का रेणुका माता मंदिर, ददरुआ सरकार का हनुमान मंदिर भी भिंड में है। अटेर किला भी भिंड में, बागियों का गढ़ बोला जाता है डकैतों के कारण भिंड। मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा होती है भिंड में, ठीक है, सबसे कम लिंग अनुपात में पहला स्थान है भिंड 837। मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह मालनपुर भिंड में आता है। कैडबरी रैन वैक्सी कंपनियां मालनपुर में ही स्थापित हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील रौन भिंड जिले में आती है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति भी भिंड में पाई जाती है जनसंख्या के आधार। अगला हमारा जिला है शिवपुर। शिवपुर की जनसंख्या है 6,87,861, क्षेत्रफल है 6,606 वर्ग किलोमीटर, साक्षरता है शिवपुर की 57.4%, लिंग अनुपात है 901 शिवपुर का। 1998 में मुरैना से पृथक करके शिवपुर बनाया गया था। शिवपुर में पालनपुर कुनू अभयारण्य भी है और सर्वाधिक कुपोषित जिला भी शिवपुर है। राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है शिवपुर। काष्ठ नक्काशी कला केंद्र भी यही शिवपुर में है। कक्के टो डैम भी शिवपुर में है। अगला हमारा है मुरैना। मुरैना की जनसंख्या है 19,65,970, क्षेत्रफल है यहाँ का मुरैना का 4,989 वर्ग किलोमीटर, साक्षरता है मुरैना की 71%, लिंग अनुपात है 840। आपको बता दें मुरैना में काकन मठ मंदिर और सासबहु अभिलेख भी मुरैना में है। चंबल अभयारण्य का मुख्यालय भी मुरैना है। गोना बेगम का मकबरा भी मुरैना में है। गजक के लिए प्रसिद्ध है मुरैना, बता दें। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में सबसे कम लिंग अनुपात मुरैना में है 829। चंबल नदी के किनारे चंबल घड़ियाल परियोजना भी मुरैना में है। कत्था बनाने का कारखाना बानमोर, KS सरसों तेल कंपनी भी मुरैना में है। प्रोटो पेट्रो केमिकल उद्योग भी मुरैना में है। सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस भी मुरैना में है। पहला शहीद मंदिर स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद मिसमिल का मंदिर भी मुरैना में है। चलिए दोस्तों, तो हमने संभाग और जिले देख लिए, इस लेक्चर को यहीं खत्म कर दिया।